नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। आपको बता दें, बहराइच कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने जा रहे सपाइयों को पुलिस ने रोका, हुई धक्का मुक्की। बहराइच जनपद में सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सपा कार्यालय से होते हुए जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन के सख्त रवैये के चलते जनपद के कई बड़े नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया और कई नेताओं के घर बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जिसके बाद में सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने सपा जिला कार्यालय के बाहर रोड जाम करके धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं को सपा जिला कार्यालय से होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल जाना था, लेकिन भारी पुलिस तैनात होने के चलते सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें सफाई धरना स्थल पर जाने के लिए अड़े थे। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर सपाइयों का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन को ले लिया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। 6 महीने के बाद हमारी सरकार आ रही, सब दुरुस्त कर देंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जैसे पंचायत चुनाव निपटे और जिस तरह से प्रशासन पर सरकार की मशीनरी बनकर उनका एजेंट बनकर काम करने के आरोप लगे, तो उन्होंने कहा है कि लिस्ट बन रही है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की। सबकी लिस्ट हमने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है और सबसे एक एक पाई का हिसाब चुकता किया जाएगा। सूर्य व्यास से।